ऐसा लगता है कांग्रेस का हाथ विवादों के साथ होकर रह गया है। छत्तीसगढ़ से उठे कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा विवाद ने एक दफा फिर साबित किया कि कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। राधिका खेड़ा का एक ट्वीट आता है, फिर रोते हुए वीडियो आया और फिर बाद में उनकी सफाई। कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद ने बीजेपी को एक बार फिर से मौका दे दिया कांग्रेस की खिंचाई का। आपस में लड़ने भिड़ने के बाद कांग्रेस के नेता कैसे बीजेपी से लड़ेंगे, अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। महिला का अपमान, कांग्रेस शांत। राधिका के साथ किसका हाथ? सचिन पायलट की चुप्पी पर सवाल। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है ना मेरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। ये अनजान है अपनी ही पार्टी की नेता के अपमान से। दरअसल एक वीडियो सामने आया था जिसमें कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा रोती हुई नजर आई। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलंदाजी को लेकर राधिका खेड़ा की बहस शुरू हुई और ये इतनी बढ़ गई कि वो रोने लगी। लेकिन इसी बात पर जब सचिन पायलट से सवाल किए गए तो वो बच निकले। ऐसा कोई विवाद हुआ नहीं है ना मेरी जानकारी। अपने नेताओं का साथ न मिलने पर राधिका खेड़ा ने एक के बाद एक ट्वीट किए। राधिका खेड़ा ने लिखा, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। पार्टी के पुरुष नेताओं का तो राधिका खेड़ा को साथ नहीं मिला, लेकिन खैरागढ़ की रानी विभा सिंह का साथ जरूर मिला है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद जी लगातार महिलाओं की बेइज्जती करते हैं और उसी उन्होंने ही ये भी कृत्य किया है जो बहुत ही शर्मनाक है। और मैं छत्तीसगढ़ कौशल्या माता की धरती है और उस धरती की मैं बहू हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ़ हूँ। राधिका खेड़ा जी के साथ या जिस भी महिला का अपमान हो रहा है उसके साथ आए, उनको जवाब दें जो उनका अपमान कर रहे हैं। राधिका के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ तो आज एक सामने आया, हमें भी बड़ा दुख हुआ है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कल जो घटना घटी है ये कांग्रेस का वैसे तो आंतरिक विषय है, पर चूंकि एक महिला के सम्मान का विषय है इसलिए इसमें बोलना आवश्यक हो जाता है। सुशील आनंद शुक्ला जी लगातार राजीव भवन में बैठकर उगाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और उसी की परिणति इस प्रकार का परिदृश्य वहां पर सामने आया है। दिल्ली से इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर आती है, एक महिला को किस प्रकार से गाली गलौज किया गया है, अपमानित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी अभी भी पद में क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस व्यक्ति ने उनको इतनी बड़ी छूट दी है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ वो खुलेआम भिड़ चुके हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर कलह की ओर इशारा कर रही है। अब इस घटना का अंजाम क्या राधिका को बीजेपी की चौखट तक ले जाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।